तो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से काफ़ी हेल्दी हेल्दी डाइट ले रही हूँ मैं। और इस टाइम ना सुबह मैं फ्रूट चाट ले रही हूँ मैं इस टाइम, क्योंकि कुछ भी हैवी नहीं खाना है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मना किया है कि कुछ भी हैवी नहीं खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, सब कुछ घर का खाना है। तो फ्रूट चाट जो मेरी बहुत ही फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है। और आज ना घर की, देखो मैं आपको बताती हूँ, मतलब काम चल रहा है अंदर की साइड, और यहाँ ना मेरे वार्डरोब की सेटिंग होगी क्योंकि मैं इस वाले कमरे में अपने आ गई हूँ। ये मेरा ना स्टूडियो रूम है जिसको मैंने अपना रूम बनाया है। तो यहाँ पे ये इतनी सारी कपड़ों की देखो कैसी अफरा तफरी मची हुई है। तो ये सब सेट करती रहेगी बबली, और पार्लर से बच्चों को बुलाऊंगी एक दो को, और तो ये लोग इसकी सेटिंग करते रहेंगे। मैं यहाँ पे अपनी फ्रूट चाट इन्जॉय करूँगी, और बाहर जो है वो लिसाई वगैरह का काम, मतलब लिसाई नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी पे पॉलिश वगैरह का काम हो रहा है। और खुशी का रूम जो है, मतलब बच्चों का रूम जो है, वो कंप्लीट हो गया है। बच्चे अपने रूम में हैं, बट वहाँ पे भी ना अभी सेटिंग ही चल रही है। तो ये सब कुछ होगा। तबीयत ना अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, और मैं अपने इधर वाले रूम में आ गई हूँ जो मैंने अपने लिए रूम बनवाया था, स्टडी रूम अपना। स्टडी नहीं, मतलब स्टूडियो के लिए रूम बनवाया था, वहाँ आ गई हूँ। और अभी मैं फ्रूट चाट इन्जॉय कर रही हूँ। डॉक्टर साहब ने ना बिल्कुल मना कर दिया है बाहर का कुछ भी खाने पीने के लिए, जब तक बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं रहती। और अभी भी पता है इतनी ठंड लग रही है ना, तो मुझसे ना मतलब इतना बुलन पहन रखा है सारा कुछ, इतना गरम गरम, फिर भी इतनी ठंड लग रही है कि बस समय तो बोला नहीं जा रहा ज़्यादा। फिर भी मैंने सोचा कि चलिए वीडियो तो बनाते हैं। आपको पार्लर में भी जाना नहीं हो रहा ना, कल मैं पूरे दिन पार्लर में नहीं गई, सारा काम मेरे पार्लर के बच्चों ने संभाला। बहुत ज़्यादा हो गई, आज जाऊंगी, अभी देखती हूँ जाके नीचे, अगर तबीयत ठीक रही तो जाऊंगी, नहीं तबीयत ठीक रही तो बच्चे बताते रहते हैं, अपडेट तो मैं लेती रहती हूँ। कोई भी कस्टमर आता है, फ़ोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, काम तो कुछ ख़राब नहीं हो रहा। पार्लर का तो कोई काम ख़राब होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टाफ बहुत बढ़िया है, सारा काम वो अपने आप संभाल लेते हैं। जब मैं नीचे होती हूँ तो बस उन लोगों को अच्छा लगता है, उन लोगों का कहना ही होता है, भाभी आप नीचे होती हो तो बहुत अच्छा लगता है, आप जब नीचे होती हो तो हम काम करते रहते हैं, आप कोई कस्टमर आता है उसको डील करती रहती हो, तो काम ना बहुत आसानी से हो जाता है सारा कुछ। अभी क्या है, उन लोगों को कस्टमर को डील करना है, उन्हीं लोगों को काम करना है, तो वो डिस्टर्बेंस होता है, जबकि पार्लर का सारा ही काम वही लोग करते हैं, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। फिर भी बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अभी ना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और पापा को भी मेरी वजह से फ्रूट चाट खाना पड़ रहा है ना पापा? हाँ। कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी वजह से फ्रूट चाट खाना? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मेरी तबीयत ख़राब हुई, बहुत बढ़िया लग रहा है, खाना बढ़िया लग रहा है। हाँ, हेल्दी हेल्दी खाने के लिए मिल रहा है, तो ये भी फ्रूट चाट ही खा रहे हैं, जो मैं खाऊंगी वो भी यही खाएंगे, है ना? फिर हम दोनों दोनों जो ये जो जो खाएंगे वो साथ साथ खाएंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग गाइस, 15% रिचार्जिंग। देखो मम्मी के कपड़े लगा लगा के नहीं, आज मेरा कमरा सेट हो रहा है, तबीयत खराब है, फिर भी मैं अपना कमरा सेट कराऊंगी आज जरूर। इनको चैन नहीं है बिल्कुल भी। कितने कमरे में अफरा तफरी, खड़ा होकर दिखाओ कुछ। देखो ये मम्मी का कमरा तैयार हो गया ना, अब मम्मी अपने सारे कपड़े उधर से निकलवा के यहाँ पे ले आई। और अभी तक पता मेरा रूम ही नहीं था कोई, अब मेरा अपना रूम हो गया है। बाहर थी क्या? सुनो दूसरा वाला मेरा आजकल फ्रूट चाट खा रही है, मम्मी भी फ्रूट चाट खा रही है, सब लोगों को फ्रूट चाट पे लिया है। मम्मी डाइटिंग करेंगी तो सब डाइटिंग करेंगी, मम्मी हेल्दी खाएंगी तो सब हेल्दी खाएंगी। ये देखो मम्मी के कपड़े यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इन बॉक्सों में भी मम्मी के ही कपड़े हैं। हाँ तो मम्मी के पास कपड़े हैं इतने सारे। मम्मी के रूम में भी काम, हमारे रूम का काम सारा कंप्लीट हो गया, लाइट्स लगनी है इधर, और अभी सफाई करेंगे हम लोग, अभी तो बहुत मैसी हो रहा है ये, अभी इधर भी, पर मम्मी पापा के रूम का काम चल रहा है अभी, अभी उनके रूम में पेंटिंग हो रही है। तो दोपहर के लंच में मैं खा रही हूँ मूंग मसूर के दाल की भिदड़ी और दही थोड़ा सा और चटनी ऐसे मिला के। तो ये है मेरा दोपहर का लंच, क्योंकि ना मेरे जो डॉक्टर साहब हैं ना, उन्होंने बहुत डांटा है कि आप बहुत अनहेल्दी खाती हो बाहर का, कुछ सब कुछ घर का खाओगी। वो मेरी ना वीडियो भी देखते हैं चैनल पे,
तो मैं उन लोगों उनसे कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब देखो बिजली खा रही हूँ, सारा मील दिखा रही हूँ आपको पूरे दिन का, आज मैं क्या क्या खा रही हूँ और डेली यही खाऊंगी, चिंता ना करो आप, लेकिन बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनका नाम है डॉक्टर नूतन, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और ज़्यादातर उनसे ही आती हैं हमारे सबकी दवाइयाँ। तो उन्होंने मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसी वाली डाइट पे डाल दिया है, कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए। है भाई 15-20 दिन बोला था आपने, फिर भी मैं आपके कहने से ना 1 से 1.5 महीने यही खाऊंगी। देखो तुम तो बिजली खा के अच्छा तो लग रहा है बहुत ज़्यादा, मगर घर में थोड़ा काम वाम चल रहा है ना, देखो कैसी हालत हो रही है घर की। खाना खाओ बेटा, देख क्या हालत हो रही है हमारे घर की। उसके साथ साथ में खा रही हूँ मैं बिजली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है वो थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक है, 3-4 दिन से ना, 3-4 क्या मतलब एक ही 1 वीक हो गया कम से कम, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। फीवर आया था लेकिन एक ही दिन आया था फीवर, बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था, और अब थोड़ी तबीयत ठीक हुई है आज। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं नहा के बाल बाल धुले हैं आज मैंने बहुत बढ़िया करके, क्योंकि ना ऑयलिंग कर रखी थी मैंने अपने बालों में, उसकी वजह से जो है बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मुझे क्या बात करनी चाहिए, क्या आप लोगों से कहना चाहिए, क्या हो गया ऐसा। बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा ना कमज़ोरी कमज़ोरी टाइप की फील हो रही है, और तबीयत बिल्कुल अभी भी बिल्कुल भी सही नहीं है। बट मैंने सोचा कि चलो आज, क्योंकि ना इस टाइम पार्लर पर बहुत काम है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तबीयत ख़राब हो गई, ऊपर से पार्लर पर बहुत काम है। ये तो ये है कि स्टाफ बहुत अच्छा है, सब कुछ संभाल लेता है, लेकिन फिर भी मेरा वहाँ पर भी होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो अभी जाऊंगी मैं पार्लर में, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, और ब्रेकफास्ट में पता है मन कर रहा था चटनी से रोटी खाने का, क्योंकि ना टेस्ट ही नहीं आ रहा अच्छा सा बिल्कुल भी, मतलब सब कुछ कड़वा लग रहा है, पानी भी कड़वा लग रहा है, इतनी बुरी हालत हो रही है ना कि पानी भी इतना कड़वा लग रहा है बहुत। और पता है मैंने टेस्ट कराए थे, टेस्ट कराने के बाद मेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, मतलब एक दिन बुखार आया था, फिर उसके बाद में मैंने टेस्ट कराया अपने ब्लड वाला टेस्ट कराया जो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, फिर उसमें कुछ नहीं आया, मतलब ओनली फॉर ऐसे आया था मौसमी बुखार टाइप का, और हल्का फुल्का 19-20 की थी, और ब्लड कम आया था, बाकी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत वीकनेस हो गई, और अब अभी भी पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। आइए सर जी, क्या हो जा रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। रात भर मैं पूरी रात खुजली की वजह से नहीं सो पाई, मेरे हाथों पैरों में इतनी खुजली मच रही है। गलत कह रही हूँ ना, ना कितना खुजली मची है ना, देखो पापा को तो सोने से फुर्सत नहीं थी रात भर। हैं क्या पूरी रात जगाया तुमने मुझे, ज्यादा बोल पागल बना रही हो। मैं पूरी रात, पता है मेरे इतने हाथों पैरों में खुजली मची है, बहुत ही। चटनी की रोटी कौन खाएगा तुम? तुमने खाई? हाँ मैंने चटनी से रोटी खा ली। ये तो तुमने गुस्सा होकर रखी है। अच्छा पता है मेरा चटनी से रोटी खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि मैं चटनी से रोटी खाऊंगी, बस उसी से मेरी तबीयत ठीक होगी। अभी भी गला वला सब ऐसा हो रहा है, और पता है दवाइयाँ इतनी सारी हैं, कितनी सारी दवाइयाँ ना, 6-7 गोली बड़ी मोटी मोटी, इंजेक्शन भी लगे अभी और भी लगेंगे क्या इंजेक्शन? नहीं बस अब नहीं लगेंगे, इंजेक्शन भी लगे, बहुत सारा दर्द होके इंजेक्शन लगे बबली, बहुत सारा दर्द होके इंजेक्शन लगे। लेकिन सही भी तो उसी से हो रही हो। पता नहीं क्या हो गया है, खड़ी होगी जैसे वो झनगढ़ मनगढ़ का आए करें। चलो अभी देखते हैं कंटिन्यू कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी इस ब्लॉग को, और जितना भी कर पाऊंगी उतना आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी माइंड ना स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी पार्लर में जाना है, पार्लर में जाके देखना है क्या क्या हो रहा है, कितने दिन में तो मैं पार्लर में जाऊंगी, 3-4-5 दिन बाद आज मैं पार्लर में जाऊंगी। पूरे दिन दवाई खा के सोती रहती थी मैं, है ना? हाँ। पूरे दिन दवाई खा के सोती रहती थी, आज से थोड़ा सा बेटर फील होना स्टार्ट हुआ तो पार्लर में जाती हूँ।